बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे अमित शाह, उनके नाम पर सहमति बन गई है। रविवार को आरएसएस ने भी अमित शाह के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक 28 जून को आधिकारिक रूप से बीजेपी उनके नाम का ऐलान कर सकती है। अध्यक्ष पद की रेस में जेपी नड्डा का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह पर आखिरी फैसला हुआ। उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई है। कुछ महीने में ही महाराष्ट्र हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी इन राज्यों में यूपी जैसा कमाल दिखाने के लिए अमित शाह के नेतृत्व पर भरोसा दिखाएगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का आज एक महीना पूरा हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मोदी को इसके लिए बधाई दी है। साथ ही विपक्ष ने महंगाई जैसे मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। एक महीने में एनडीए सरकार ने काले धन की जांच के लिए एसआईटी का गठन, ईजीओएम और जीओएम को खत्म करने, गंगा एक्शन प्लान जैसे कई अहम फैसले लिए, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई और रेल किराए में इजाफे के फैसले से विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने पूछा है कि अगर सरकार की कोई उपलब्धि हो तो बताएं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। कई दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से भी नायडू मिलेंगे और राज्य से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। वो पीएम मोदी से आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य का दर्जा देने को लेकर बात करेंगे। साथ ही राज्य के लिए 15,000 करोड़ के विशेष पैकेज की भी मांग रखेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर नायडू आंध्र प्रदेश के किसानों के लोन माफ किए जाने को लेकर बात करेंगे। अगले 3 महीने तक रसोई गैस सिलेंडर और केरोसिन तेल पर दाम नहीं बढ़ेंगे, ये दावा किया है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। उन्होंने कहा कि फिलहाल एलपीजी और केरोसिन की कीमत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी खबर थी कि हर महीने एलपीजी सिलेंडर पर 5 रुपये जबकि केरोसिन तेल 1 रुपये लीटर महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्री की माने तो 3 महीने के लिए प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण का फैसला टाल दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गैस के दाम पर व्यापक चर्चा की जरूरत है और सरकार सभी पक्षों से इस मुद्दे पर बात करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने बड़ा दाव खेला है। वहां सरकारी नौकरियों और पढ़ाई में मराठियों और मुस्लिमों को आरक्षण का ऐलान किया गया है। कल हुए फैसले के मुताबिक मराठों को 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में कुल 73% आरक्षण हो गया है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं हुआ है। बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। ट्विटर फॉलोअर के मामले में व्हाइट हाउस को पीछे छोड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी। फिलहाल मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले 5वीं शख्सियत हैं। एक सर्वे के मुताबिक जल्द ही मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को इस मामले में पीछे छोड़ देंगे और नंबर 1 बन जाएंगे। अभी मोदी के 49,56,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं, जबकि व्हाइट हाउस अकाउंट के 49,73,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। माओवादियों पर होने वाली बैठक से पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज सीआरपीएफ मुख्यालय जाएंगे। वहां गृहमंत्री एंटी नक्सल ऑपरेशन और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों की जानकारी लेंगे। गृहमंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह पहली बार सीआरपीएफ मुख्यालय पहुंचेंगे। इस मौके पर वो कुछ जवानों और अधिकारियों से भी बात करेंगे। कुछ ही दिन पहले राजनाथ सिंह दिल्ली पुलिस मुख्यालय भी गए थे। गंगा पुनरुद्धार मंत्री उमा भारती गंगा को लेकर एक्शन में है। उमा भारती के मुताबिक सरकार ने सचिवों का एक समूह बनाया है जो सिर्फ गंगा के लिए नहीं बल्कि दूसरी नदियों के लिए भी है। इसमें पर्यावरण, पर्यटन और शिपिंग मंत्रालय भी शामिल होंगे। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी कल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा से मिली। इस दौरान महिला आयोग को ज्यादा ताकत देने के मुद्दे पर बात हुई। मंत्रालय सिविल कोर्ट और एनसीपीसीआर के जैसा अधिकार देना चाहता है। ममता शर्मा ने बताया कि मीटिंग के दौरान इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इस्तीफे को लेकर चल रही खबरों का उन्होंने खंडन किया और बताया कि वो अगस्त तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। महाराष्ट्र में एनसीपी ने प्रदेश की कमान सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे को सौंपी है। कल मुंबई में हुई पार्टी की बैठक में तटकरे को नया अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ। वो भास्कर जाधव की जगह लेंगे। खबरों के मुताबिक जाधव को महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अजीत पवार के करीबी माने जाने वाले सुनील तटकरे माली समुदाय से आते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी तटकरे के जरिए पिछड़े वर्गों में प्रभाव बढ़ाना चाहती है। हालांकि तटकरे का नाम सिंचाई घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले में भी जुड़ा है। पंजाब में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी आत्ममंथन में जुट गई है। बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मिलकर अकाली दल और बीजेपी की 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो हार की वजह का पता लगाएगी। उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद के खिलाफ लूट और धमकी जैसे मामलों में केस दर्ज हुआ है।
यूपी के चंदौसी में इकबाल महमूद समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 25 मई को एक वकील ने मंत्री का पुतला दहन किया था। आरोप है कि नाराज मंत्री ने 27 मई को अपने समर्थकों से मारपीट और लूटपाट कराई थी। उसी मामले में वकील की याचिका पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। विवादों के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से एडमिशन शुरू हो रहा है। यूजीसी ने कल एडमिशन के लिए आदेश जारी किया। हालांकि कई कॉलेज इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि अब तक उन्हें डीयू रजिस्ट्रार से निर्देश नहीं मिला है, लेकिन यूजीसी के कल के आदेश के मुताबिक डीयू के कॉलेजों को 3 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही एडमिशन करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 64 में से 57 कॉलेज पहले ही यूजीसी के आदेश मानने को तैयार हो चुके हैं। 4 साल के कोर्स पर विवाद के बीच बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स के लिए डीयू आज एडमिशन टेस्ट लेगा। ये टेस्ट 4 साल के कोर्स के लिए ही होगा। वहीं शिक्षाविदों के एक समूह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच विवाद सुलझाने के कई फार्मूले सुझाए हैं। उसमें ऑनर्स कोर्स 3 साल करने, 4 साल का कोर्स रिसर्च के लिए ऑप्शनल रखने, मुख्य ऑनर्स पाठ्यक्रम की संख्या बढ़ाकर 17 करने और फाउंडेशन कोर्स की संख्या घटाने जैसे सुझाव हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह के आवास पर कल बैठक हुई जिसमें तमाम सुझावों पर चर्चा हुई। इस मामले में बीजेपी नेता चंदन मित्रा ने ट्वीट कर कल दिनेश सिंह का बचाव किया। प्रीति जिंटा ने इस वाडिया विवाद में पुलिस को अभी तक 19 कैमरों के रॉ फुटेज का इंतजार है। आईपीएल टेलीकास्ट करने वाली कंपनी वो फुटेज पुलिस को मुहैया कराएगी। अब तक पुलिस को एक ही मैच का फुटेज मिला है। प्रीति ने 24 जून को 3 जगहों की जानकारी दी थी। प्रीति ने 2 और जगह बताए हैं जिनके वीडियो भी पुलिस ने मांगे हैं। पुलिस अब 14 चश्मदीदों के बयान दर्ज करने के बाद ही इस वाडिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसमें 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। वाडिया पर कार्रवाई से पहले पुलिस उन्हें समन जारी करेगी। बिहार के छपरा में राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई या नक्सलियों ने साजिश रची, इस मामले में बिहार पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। अब तक इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कल रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने नक्सली साजिश की आशंका जताई थी, लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कल रेल मंत्री ने मौके का जायजा लिया। देर शाम मोदी ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से जख्मी पीड़ितों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की। हादसे के तुरंत बाद गौड़ा ने भी मुआवजे का ऐलान किया था। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने खुद को नियुक्ति की प्रक्रिया से अलग करते हुए कहा कि हमने 34 साल की वकालत की, हमारे बारे में गलत धारणा बनाना ठीक नहीं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान को लेकर आज साई बाबा ट्रस्ट की बैठक हो रही है। 3 सदस्यों की कमेटी आगे की रणनीति पर फैसला करेगी। वहीं शंकराचार्य ने कहा है कि उनके खिलाफ दायर केस के बाद भी वो अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के मयूर विहार फेस वन इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक वैगनआर कार में 6 लड़के नोएडा से दिल्ली आ रहे थे, तभी किसी बड़ी गाड़ी ने उनकी कार में पीछे से टक्कर मार दी। टकराने के बाद वैगनआर का ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा, जिससे उनकी कार पहले एक सुमो से टकराई और फिर डिवाइडर से टकराकर सड़क के दूसरी ओर जा गिरी। तभी नोएडा की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट कार वैगनआर से जा भिड़ी। हादसे में सभी 6 लड़के जख्मी हो गए, उनमें से 2 को नहीं बचाया जा सका। आज से दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस तक मेट्रो का 3rd फेज शुरू हो रहा है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू इसे हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली मेट्रो प्रवक्ता अनुज दयाल ने बताया कि इस लाइन के शुरू होते ही बदरपुर लाइन से मंडी हाउस की ओर जाने वाले तमाम यात्रियों को राहत मिलेगी। उन्हें राजीव चौक से मेट्रो बदलने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। साथ ही राजीव चौक पर लोगों की भीड़ भी कम होगी। 3 किलोमीटर लंबे इस रूट से रोजाना करीब 70,000 यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद है। ब्लैकबेरी ने बाजार में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। ब्लैकबेरी Z3 नाम के इस फोन में 5 इंच का डिस्प्ले है और ये ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एंड्रॉयड के एप्स को भी सपोर्ट करता है। कंपनी के मुताबिक भारतीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 15,990 रुपये है। थाने में एक मेडिकल छात्रा से रेप की वारदात हुई। आरोप उसके कॉलेज के ही छात्र पर है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी किसी जन्मदिन पार्टी का झूठ बोलकर उसे बाहर ले गया और कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोशी की हालत में वारदात को अंजाम देने के बाद वो लड़की को फेंक कर फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की लोकसभा क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से रेप हुआ।
घटना की खबर लगते ही लोगों ने NH2 पर हंगामा किया। इस मामले में पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में एक लड़के से 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, अपहरण और लूटपाट का मामला दर्ज किया है। जिले में 15 दिन के अंदर गैंगरेप की यह तीसरी वारदात है। मथुरा पुलिस ने असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार की कोशिश की। पीड़ित के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे पकड़ा और जमकर पिटाई की। उसके चेहरे पर काली खपोद दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। ठाणे के एक निजी बंगले में चल रही थी अश्लील पार्टी। क्राइम ब्रांच ने रेड कर मौके से 14 लड़कियों और 15 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 लड़कियों को दक्षिण अफ्रीका से बुलाया गया था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब की बोतलें और आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में एक केबल ऑपरेटर की हत्या कर दी गई। मृतक तरुण बजाज अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। शाम को जब पत्नी अपने ऑफिस से लौटी तो कत्ल का पता चला। मौके पर सामान बिखरे पड़े थे लेकिन कोई सामान गायब नहीं था। ऐसे में पुलिस को शक है कि आपसी रंजिश की वजह से हत्या हुई होगी। पंजाब के मोगा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बड़े कार व्यापारी और उनके एक साथी की मौत हो गई। पुलिस किसी मामले में कार व्यापारी को पकड़ने गई थी लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोका, कार में बैठे दूसरे शख्स ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें कार व्यापारी और दूसरे शख्स की मौत हो गई। गोलीबारी में 2 जवान जख्मी हो गए। दिल्ली में अक्षरधाम के पास पुलिस ने होंडा सिटी कार से 48 पेटी शराब बरामद किया। पुलिस ने कार में मौजूद एक व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है जो शराब सप्लाई के लिए गाजियाबाद ले जा रहा था। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में दिन दहाड़े 22 लाख की लूट हो गई। एक प्लास्टिक केमिकल फैक्ट्री के मालिक से 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने रुपए लूट लिए। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरों के सहारे सुराग तलाश रही है। दिल्ली पुलिस ने एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो ड्रग से भरे 80 कैप्सूल के साथ दिल्ली आया था और उसकी तस्करी करने वाला था। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसने सभी 80 कैप्सूल निकल कर लाए थे। ड्रग्स की खेप दूसरे आरोपी को सौंपते समय ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। दूसरा आरोपी राजस्थान का रहने वाला बताया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी के 2 गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने नाइजीरिया को 3-2 से हरा कर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। अर्जेंटीना पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। नाइजीरिया इस हार के बावजूद अंतिम 16 में पहुंच गया जहां उसका मुकाबला फ्रांस से होगा। बोस्निया के हाथों 3-1 के अंतर के हार के साथ ही ईरान प्री क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाया। ग्रुप एफ से बोस्निया और ईरान दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बोस्निया की जीत का फायदा नाइजीरिया को मिला। स्विट्जरलैंड ने होंडुरस को 3-0 से हराकर अंतिम 16 का टिकट हासिल कर लिया है। फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड ग्रुप ई में दूसरे नंबर पर रहा। प्री क्वार्टर फाइनल में 1 जुलाई को स्विट्जरलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। फ्रांस और इक्वाडोर के बीच खेला गया ग्रुप ई का आखिरी लीग मैच ड्रॉ रहा। प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की टक्कर नाइजीरिया से होगी। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस मैच आज से शुरू हो रहा है। 3 दिनों का यह अभ्यास मैच टीम इंडिया लंकाशायर के खिलाफ खेलेगी। वैसे इंग्लैंड के साथ पहला टेस्ट 9 जुलाई से खेला जाना है और उससे पहले भारतीय टीम 2 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलेगी।